हेलीकॉप्टर में बारात नहीं जाऊंगा, ये मैं लिख के देता हूँ। इससे बड़ा एग्जांपल और रहा सवाल, मैं वो करके दिखाऊंगा जो इन्होंने 16 साल में नहीं किया है, हम आपको 5 साल में करके दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं सांसद जी के रवैया का निंदा करता हूँ और जनान साहब की हिम्मत को सलाम करता हूँ। सांसद जी ये भूल गए हैं कि वो 24 दिन का जो सांसद बने गिफ्टेड, आप कह रहे हैं कि वो अगर निर्दलीय आएंगे तो वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, हमसे कम वोट लाएंगे वो अगर निर्दलीय आएंगे, पैसा आया तो क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी माहौल को लेकर और चुनावी हलचल को लेकर प्रत्याशियों के साथ तीखे सवाल किए जा रहे हैं जो आपके द्वारा होता है। आज हमारे खास मेहमान हैं मेराज अनीस साहब, जो कि विधानसभा बहादुरगंज से विधायक के प्रत्याशी हैं। तो चलिए बात करते हैं मेराज अनीस साहब से, पहले उनकी तारुफ उन्हीं से पूछते हैं। सर, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप कौन हैं, कहां से हैं और विधानसभा इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज राही साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल अपना गांव का और सभी दर्शकों से, सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रियाज राही भाई के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। हाँ, तो मेरा नाम हुआ मोहम्मद मेराज अनीस, मैं बहादुरगंज विधानसभा से नटापड़ा पंचायत नटापड़ा गांव वार्ड नंबर 5 से बिलोंग करता हूं। सर, आप पहले ये बताइए, आप एक युवा हैं और समाजसेवी भी हैं, तो युवाओं को अभी जॉब के लिए आगे बढ़ते हुए देखा है, बिजनेस के लिए आगे बढ़ते हुए देखा है, लेकिन आप राजनीति में रुचि दिखा रहे हैं, आखिर क्यों, ऐसा क्या बात हो गई जिसको आपको राजनीति में आना पड़ा। देखिए, राजनीति से तो शौक नहीं था, लेकिन जब हम 10th में थे तो गांधी जी के कोटेशन को बहुत अच्छे से अपने जहन में हम बिठाए थे। उन्होंने कहा था कि राजनीति से बेशक दूर रहो लेकिन राजनीति को समझो। तो हम पढ़ाई के साथ, जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया 2016 में, उसके बाद हम जब घर पकड़े और आगे की पढ़ाई जारी रखी, तो मुझे समाज और गाँव के प्रति कुछ करने की चाह और इच्छा अंदर से उत्पन्न हुई। तो समाज की बदहाली को देखकर, आपको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा हमारा ज़िला किशनगंज है और उसमें पिछड़ा हमारा बहादुरगंज है, और हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव और समाज का क्या हाल है, आप एक पत्रकार हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। तो हमने समाज सेवा करना चाहा, लेकिन समाज सेवा करते करते देखे कि यहाँ के प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, समिति हो, मेम्बर हो, सबका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, करप्शन और भ्रष्टाचार में इतना वो लोग घुले मिले हुए हैं कि उनको विकास और लोगों के दर्द, शिक्षा पर हो, हेल्थ पर हो, या फिर नदी नाला पुल पुलिया पे हो, या गरीबी रेखा के स्तर को बढ़ाने का काम हो, इस सब में वो लोग हमेशा से पीछे रहे हैं और इलेक्शन के समय, चुनाव के समय लॉलीपॉप दिखा के लोगों का वोट पाए हैं। तो हमने सोचा कि चलिए, कम से कम हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं को आगे आना चाहिए, तो हमने हिम्मत की है आने की, अब देखते हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सगीर खान सगरू साहब हैं, वो फेसबुक के द्वारा आपसे सवाल किए हैं कि आप इस बार विधानसभा इलेक्शन में आ रहे हैं तो आप किन मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, वोट मांगने का काम करेंगे। देखिए, मुद्दा तो बहुत है लेकिन कोई नया मुद्दा नहीं है। नया मुद्दा इसलिए नहीं है कि जो मुद्दा है जब से हमने होश संभाला है, आपने भी हमेशा से सारे नेतागण, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, किसी भी लेवल के नेता हो, किसी भी पोस्ट के नेता हो, वो सब लोग चुनाव के वक्त सिर्फ एक ही चीज़ कहते आए हैं शुरू से कि हम एजुकेशन पर काम करेंगे, हम हेल्थ पर काम करेंगे, हम रोज़गार पर काम करेंगे, लेकिन सब धाराशाही एक बोली, एक भाषा बन के रह गई है। आज तक उन चीज़ों पर कोई भी नेतागण या कोई भी किसी के भी मतलब सरकार ने नहीं करके दिखाया। तो अभी भी हमारे इलाके में एजुकेशन, हेल्थ, बेरोज़गारी बहुत पीछे है, उसको आगे ले जाना है। उसको आगे ले जाने के लिए जो भी करना पड़े, जिस रास्ते से गुजरना पड़े, हम करेंगे। साथ साथ हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जहां भी हमसे जो होगा, जहां हमारी ज़रूरत होगी, हम वो पूरा करेंगे। हमारे एक दोस्त है फरहान बाबू अख्तर, तेघड़िया वाले,
और एक है इंतजार अकरम, दोनों का एक ही सवाल है कि आप विधानसभा इलेक्शन में आ रहे हैं तो किसी पार्टी से आ रहे हैं या निर्दलीय आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। देखिए, हम लोग गरीब परिवार से, मिडिल क्लास परिवार से, किसान का बेटा है हम लोग। हम लोग कोई रईस घराने से या कोई बिजनेस टाइकून के बेटे नहीं हैं कि खास करके मैं निर्दलीय आ सकूं। मेरी कोशिश जारी है, दो तीन पार्टी से बात चल रही है। अगर पार्टी ने हमें टिकट दिया तो हम पार्टी से ही टिकट चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। हमारे एक करीबी दोस्त हैं नफीस हैदर नाम से, वो टेरागास से बिलोंग करते हैं। उनका सवाल है, युवा वर्ग को संगठित करने के लिए आपने क्या किया अभी तक और आगे क्या करेंगे? देखिए, लगभग 3 साल से मैं सोशल वर्क से जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ तक हमसे हो पाई है, हमने क्या किया है नहीं किया है, खास के किशनगंज के सारे यूथों को पता है। अब मैं गिनाना नहीं चाहूँगा, नहीं तो अपने मियाँ मिट्ठू कहलाऊँगा। मैंने मेरे अंदर जितनी क्षमता है, हमसे जहाँ तक हो पाई है, हमने बहुत कुछ किया है। सर, एक सवाल ये है कि आखिर विधानसभा में क्या काम नहीं हुआ है इसलिए आप आ रहे हैं, विकास नहीं हुआ है, लेकिन हमारे विधायक जी का कहना है मैंने बहुत काम किया है, 22 पुल मैं लेके आया हूँ अकेले सीमांचल में, तो फिर इस पर आप कैसे कह सकते कि उनका विकास नहीं है? विधायक जी का कहने से क्या होता, हमारे मोदी जी भी तो कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे विधायक बहादुरगंज जी का बोल सेम है, आप उसे आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या क्या हुआ होगा। लेकिन पार्टी अलग अलग है सर दोनों का, मतलब विचारधारा एक है ना, ये भी उनकी पार्टी कांग्रेस जरूर है, लेकिन ये कांग्रेस के प्रति कभी स्टैंड नहीं रहे। आपने लोकसभा में देखा उनको कि कांग्रेस के प्रति वो वोट मांगे, प्रचार किए, उन्होंने हमेशा पार्टी के साथ रहते हुए पार्टी के साथ गद्दारी की है, धोखेदारी की है। उन्होंने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है। आप MLC हमारे किशनगंज के जो हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, आप उनके बारे में पता कीजिए, उनके हर चुनाव में हमारे विधायक जी का क्या देन रहा है, क्या योगदान रहा है। सर, जैसे उनसे पूछा गया विधायक जी से मेरे चैनल के द्वारा कि आप अपने ज़िंदगी में एक ऐसा काम बताइए जिससे लोग आपको ज़िंदगी भर याद रखें, तो उन्होंने लौजा पुल का नाम लिया, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या लौजा पुल उन्हीं की देन है? वो तो बेवकूफ़ बना रहे हैं, शायद वो खुद बेवकूफ़ हैं। अब इतने भी हम लोग हमारे विधानसभा में इतने भी अनएजुकेटेड आदमी नहीं हैं जो दुनिया नहीं देखे हैं। आज इस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये लौजा पुल में आने के बाद मुझे सबसे पहले मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब और मरहूम हमारे मौलाना असर साहब का याद आ गया, अल्लाह उन दोनों को जन्नत दे। ये पुल में उनका कोई योगदान नहीं है। बहादुर विधायक के अगर कह रहे हैं, इनका 1% योगदान नहीं है। अच्छा, ये पुल कैसे बना, ये पुल का फंड कहाँ से आया, इस पर किस किस की मेहनत थी, यहाँ की जनता को पता है। सर, अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के सांसद डॉक्टर जावेद साहब का 2 दिन पहले एक बयान जारी हुआ था, रिकॉर्डिंग जारी हुआ था, बयान तो नहीं कहूँगा, उसमें कोई महेश भतना के जलाल नाम से, जनान नाम से कोई उनको फ़ोन करता है और उनसे बदतमीजी करते हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या एक संसद के सांसद को इस तरह का बात रखना बेहतर कहलाएगा? सबसे पहले तो मैं सांसद जी के रवैया का निंदा करता हूँ और जनान साहब के हिम्मत को सलाम करता हूँ। सांसद जी ये भूल गए हैं कि वो 24 दिन का जो सांसद बने गिफ्टेड, 24 दिन में कोई सांसद नहीं बनता। यहाँ की जनता का प्यार था, देश की हालात को देखता हुआ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, बिना मेहनत किए डॉक्टर जावेद साहब जीत गए। तो जो आदमी को बिना मेहनत किए सर में ताज मिल जाए, तो उसका तो भाई बोली और मनोबल का कोई ठिकाना नहीं। क्या पता फ़ोन में उन्होंने जनान साहब को इडियट कह दिया, आमना सामना हो सकता था, लपड़ थप्पड़ ठोक दे। तो ऐसे पढ़े लिखे सांसद की हमको ज़रूरत नहीं है। और एक कहावत भी है सुरजापुरी में कि ज़्यादा पढ़ा लिखा बेटा ज़्यादा बिड़ंगा हो जाता है, तो हमें ऐसे पढ़े लिखों की ज़रूरत नहीं है। सर, एक बात और है, जैसे कि विधानसभा इलेक्शन में बात चल रही है कि विधायक तौसीफ साहब 4 टर्म से जीते हुए हैं, उस पर उनके पास दल बल हर चीज़ है और आप अकेले आ रहे हैं, आप ये बताइए कि आप उनके सामने टिक पाएंगे? और उसके अलावा भी बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो आज पूरे क्षेत्र की भ्रमण कर रहे हैं, तो उन लोगों के सामने आप टिक पाएंगे? सबसे पहली बात, एक कहावत है कि हर रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। मानते हैं वो 4 टर्म का विधायक है, लेकिन वक्त का खुदा नहीं है, मेरे विधानसभा का खुदा नहीं है, वो भी इंसान है, उसको भी मौत आनी है, हमें भी मौत आनी है, अगले को भी आनी है, और हर चीज़ का अंत होता है। और रहा सवाल, आप सचिन, एक एग्जांपल देना चाहूँगा, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर साहब ने जब अपने फॉर्म में चल रहे थे तो लोग कह रहे थे कि शायद इनके तरह कोई खिलाड़ी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप अभी जीता जागता आप विराट कोहली को देख सकते हैं, उनका फॉर्म देख के लगता है कि
अब उनका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो वो सिंपल सी बात है, हर रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए। ये चार्टर में लोगों ने अगर हमें भी मौका दिया तो हम भी चार चौक 16 टर्म रह जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो जनता का भी दिख रहा है कि जनता के द्वारा उसको मोहब्बत है, जनता उनको प्यार करती है, तभी तो आज चार टर्म से बार बार उसको मौका दे रही है। क्योंकि यहाँ तक कि जनता में विकास किया होगा गांव गांव घर घर, तभी तो उसको बार बार वोट दिया जा रहा है। ऐसे तो नहीं है कि किसी को अनदेखा आदमी को वोट दे रहा है। देखिए, उनको जनता का मोहब्बत या उनको काम को देख कर उनको वोट नहीं किया है। सबसे पहली बात, जब जब वो इलेक्शन लड़े हैं तब तब हमारा देश का राज का माहौल अजीब सा बन गया था। पिछले बार वो जो चुनाव लड़े वो गोश्त के नाम पर बने लड़े, और हर नेता धर्म की राजनीति करता है। उससे पहले फिर एक बार वो चुनाव लड़े तो महागठबंधन के नाम पर लड़े, वो अपने दम पर लड़ा के दिखाते हम उनका ज़िंदगी भर गुलामी करेंगे। आप कह रहे हैं कि वो अगर निर्दलीय आएंगे तो वो सीट नहीं निकाल पाएंगे, हमसे कम वोट लाएंगे वो अगर निर्दलीय आएंगे तो? पैसा है तो क्या हुआ जी सर, ऐसा बोलना एक विधायक के बारे में कि वो आपसे वो कम वोट लाएंगे, ये कहाँ तक सही है? हमको तो नहीं लगता है इतना दिन तक वो आपको हम बोले वो विधायक है, वो हमारे विधायक है तो हम उनको नहीं बोलेंगे तो किनको बोलेंगे? हम तो पहले बोल दे वो मेरा विधानसभा खुदा नहीं है, उनको बोलिए निर्दलीय आके दिखा दे। सर अब आप पर बात करते हैं, अगर आपको किसी पार्टी का टिकट मिलती है और जनता आपको चुनता है तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे जो अब तक आपके विधायक जी नहीं किए हैं? सबसे पहली बात, मैं अगर विधायक बन गया तो मैं हेलीकॉप्टर में बारात नहीं जाऊंगा, ये मैं लिख के देता हूं। इससे बड़ा एग्जांपल और रहा सवाल, मैं वो करके दिखाऊंगा जो इन्होंने 16 साल में नहीं किया है, हम आपको 5 साल में करके दिखाएंगे। नहीं दिखाएंगे तो मेरा नाम को जूता टांगे रखिएगा, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। कुछ आपके करीबी दोस्त हैं, उन लोगों का सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हैं? देखिए, शादी तो सुन्नत है, बाकी रहा सवाल वो अल्लाह का हुक्म होगा तो अब उनका हुक्म जब हो। सर कहीं ना कहीं अब हमको लग रहा है कि विधायक तौसीफ के अगेंस्ट बहुत सारे लोग आए हैं, तो इस बार उनको कुछ झटका लगा है? क्योंकि हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जैसे वो पहले फील्ड में रहते थे अभी भी हैं, वो जैसा भ्रमण पहले भी करते थे अभी भी करते हैं, और विकास के मामले में क्या किए वो तो जनता जानती है, तो इस बार भी वो यही सोचें कि हम घर में रहेंगे और हम जीत जाएंगे, तो आप इसको क्या कहेंगे? एक कहावत है, डूबते को तिनका सहारा, और ये कहावत है कि वक्त का बादशाह तो फिरौन भी था जी। और रासवाल विधायक जी से हम लोगों की या हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, उनके काम को लेकर है। एक नेता के प्रति एक जनता को जो उम्मीद होती है वो उम्मीद पर खड़े नहीं उतरते हैं, तो हम लोग सवाल जवाब करते हैं। और रहा सवाल उनको हराना, तो अब युवक बताएगा, जनता जाग चुकी है, बादून की जनता जाग चुकी है, आप देख भी रहे हैं, जगह जगह लोग बोल भी रहे हैं, लोगों को पता भी हो गया कि कौन सा प्रधानमंत्री फंड है, कौन सा मुख्यमंत्री फंड है, कौन सा विकास विधायक फंड है, कौन सा मुखिया समिति फंड है। अब यहाँ तक लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है हमारे सांसद और विधायक के द्वारा, मुखिया मेंबर जो काम करते हैं उनका भी क्रेडिट वो लोग ले लेते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कम के हम लोग एजुकेशन में पीछे हैं, तो हम लोग को नहीं पता, हम लोग को हर चीज़ लगता है कि विधायक ने बनवाया है, विधायक ने बनवाया है अपना घर, पेट्रोल पंप बनवाया है, बैंक बैलेंस बनवाया है, ये सब बनवाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये थे हमारे मेराज अनीस साहब जो कि नटोपरा पंचायत से हैं और सोशल एक्टिविटीज़ हैं और इस बार विधानसभा इलेक्शन में आ रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए मेरे पूरे व्यूअर्स आपको शुक्रगुजार करते हैं। बाकी इतने इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूँ। भाई आशिक इलाही के साथ मैं आपका दोस्त रियाज राय, आपका अपना चैनल अपना गांव से।